हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक टिप्स जो आपके हर रोज काम आने वाले हैं, और इनसे मुझे तो काफी फायदा होता है और आशा करती हूँ कि आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख लेते हैं अपनी पहली टिप। इसके लिए प्लास्टिक की एक खाली बोतल ली है और इसे हमें ढक्कन वाली साइड से कट कर देना है। तकरीबन ढक्कन से 1 से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा कट करना है। अब इसका यूज हम किस तरह से करेंगे वो देखिए। तो पैकेट को कट करने के बाद में ना इस तरह से खुला मत छोड़िए, ऐसा करने से सामान फैलता रहता है। इसे पैक करने के लिए हम आज इस बोतल के कैप का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए पहले पैकेट को थोड़ा सा और कट कर देना है ताकि ये बोतल का जो कैप है ना वो इसके अंदर आसानी से आ सके। ये देखिए, अब रबर बैंड लेना है और हमें पैकेट को जहाँ से हमने कट किया है ना उधर की साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर देना है, मतलब कि ये पूरा बंद हो जाना चाहिए, और उसके बाद रबर बैंड से टाइट से कस देना है। मतलब कि पैकेट है जो रबर बैंड के नीचे टाइट से कस जाना चाहिए, कहीं से भी ये ओपन नहीं रहना चाहिए। और ये हमारा पैकेट बिल्कुल एकदम से पैक हो गया है। अब जब भी सामान को निकालना हो ढक्कन खोलिए और इधर की साइड से सामान आप निकाल सकते हैं और भर भी सकते हैं। तो ये आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अपनी दूसरी टिप। इसके लिए माचिस की ये वाली साइड हमें कट करके अलग कर देनी है, मतलब कि जहाँ से हम तीली जलाते हैं ना उधर वाली साइड। तो ये हमें 4 पीस चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी कांच का जार ले लीजिए छोटे वाला, उसके ऊपर गम लगानी है और माचिस के जो हमने ये 4 पीस कट किए हैं उन्हें हमें इस तरह से पेस्ट कर लेना है। 2 साइड पेस्ट करनी है, 2 साइड हमें खाली रखना है। उसके बाद माचिस की तीलियां डाल दीजिए इसके अंदर। देखिए सीलन आ जाती है कई बार, अब जैसे सर्दियों का मौसम है ना तो सील जाती है तीली और बिल्कुल भी जलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब जोत जलाते हैं ना तो भी चिकना हाथ लग जाता है तीली के ऊपर, और फिर उसकी वजह से तीली बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो आप इस तरह से तीलियों को ना एक जार के अंदर भर कर रख लीजिए, और ये जो माचिस की तीली जलाने वाला पार्ट है ना उसे इस तरह से जार के ऊपर पेस्ट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से काम करेगी सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में, बहुत ही अच्छी काम आने वाली टिप है। ये देखिए, कई बार सीलने के कारण या फिर हाथ चिकना हो जाता है जिसकी वजह से माचिस का ना ये पार्ट चिकना हो जाता है और माचिस की तीली बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा, माचिस बिल्कुल भी नहीं सीलेगी और प्रॉपर काम करेगी, और इस तरह से माचिस भी काफी दिन चलेगी। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप। इसके लिए हमने प्लास्टिक की 2 बोतल ली है और अब हमें ना इन्हें इधर की साइड से कट कर देना है, मतलब कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है बोतल का ढक्कन वाला पार्ट वो नहीं चाहिए, हमें इसका नीचे वाला पार्ट चाहिए। तो दोनों बोतल कट करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ना हम इनका यूज करने वाले हैं। ये देखिए, इन्हें रख देते हैं अब साइड में। अब जो हमारे पास में ये कॉफी गिलास, चाय के गिलास बच जाते हैं ना, अब उन्हें हम ऐसे ही पॉलीथिन में रख देते हैं कहीं भी, तो इस तरह से ना दब जाते हैं और इनकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है, या फिर इनके ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है और फिर ये यूज करने लायक नहीं रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बोतल कट करनी है और बचे हुए गिलास ना बोतल के अंदर इस तरह से रख देने हैं। सारे गिलास रख देंगे और ऊपर से जो दूसरे वाला पार्ट है ना बोतल का उसे इस तरह से कवर कर देना है और बोतल के अंदर फंसा दीजिए बोतल को, तो ये बहुत अच्छे से इसके अंदर सेफ रहेंगे। ना तो अब इनकी शेप बिगड़ेगी और ना ही ये बाहर गंदे हो जाते हैं ना, वो अब बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो इसका बोतल का ऊपर वाला पार्ट खोलिए, और जब भी आपको यूज करना हो तो 1 गिलास निकालिए और फिर दोबारा से इसे इसी तरह से फिट कर दीजिए। चाहे तो आप इसे ना हैंग भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको जरूर अच्छा लगा होगा। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टिप। लिपस्टिक लगाने से पहले ना आप एक छोटा सा काम जरूर कर लिया करें। अब जैसे सर्दी आए, सर्दियों में ना होंठ फट जाते हैं और डायरेक्ट हम लिपस्टिक लगा लेते हैं तो होता है क्या है कि हमारी लिपस्टिक है जो साइडों में फैल जाती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वैसलीन लेना है और होठों के ऊपर पहले वैसलीन लगाना है लिपस्टिक लगाने से पहले। उसके बाद आप लिपस्टिक लगाइए तो एक तो इसका कलर बहुत अच्छा निखर कर आएगा, और एक जो फटे होठों पर जो दरारें पड़ जाती है ना वो भर जाती हैं, जिसकी वजह से लिपस्टिक फैलती भी नहीं है और बहुत ही अच्छा कलर भी दिखता है। तो लिपस्टिक लगाने से पहले ना आप ये टिप जरूर ट्राई कीजिएगा,
बहुत ही अच्छी काम आने वाली है। वैसलीन की वजह से होंठ फटेंगे भी नहीं और ना ही दरारें पड़ेंगी। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप। एक छोटे साइज का शॉपिंग बैग लिया मैंने और इसे ना मैं 5 से 6 बार इसे फोल्ड करते हुए छोटे छोटे पीस इसमें से कट कर लूंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनका हम किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिए, छोटा सा शॉपिंग बैग है और उसमें से बहुत सारे पीस ये मैंने कट कर लिए हैं। अब हमारी जो नेल पेंट होती है ना, कई बार ना उसे रिमूव करने के लिए हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है। तो आप इस तरह के ना शॉपिंग बैग के छोटा सा पीस लीजिए, उसके ऊपर थिनर लगाइए और फिर नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जब भी शॉपिंग बैग पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इस तरह से आप छोटे छोटे पीस कट करके मेकअप किट में रख लीजिए और नेल पेंट रिमूवर के तौर पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी नई ट्रिक है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। इसके लिए हमें प्लास्टिक की एक खाली बोतल चाहिए और उसे ना हमें दोनों साइड से कट करना है, इधर की साइड से भी और दूसरी साइड से भी। लेकिन जो मुंह वाली साइड है ना, उधर हमें थोड़ा छोटा रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ये वाली बैक साइड हो गई और ये वाली इसकी मुंह वाली साइड हो गई। इधर से हमें थोड़ा छोटा मुंह रखा है इसका। अब कोई भी नुकीली चीज गर्म करनी है और उसमें ना होल करने हमें बोतल के अंदर दोनों साइड में बिल्कुल आमने सामने। उसके बाद एक डोरी लेनी है और बाहर की साइड से ना रस्सी को अंदर की तरफ निकालते हुए इसमें एक नॉट मार देनी है। होल थोड़ा छोटा रखना है ताकि ये जो नॉट मारे हम ये निकल कर बाहर ना आए। और दोनों साइड नॉट मार लेंगे तो ये एक हमारा बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया। इसे हम किचन में यूज करने वाले हैं और कैसे यूज करने वाले हैं वो देखिए। जो हमारे ग्रोसरी का सामान लाते समय पॉलीथीन इकट्ठा हो जाती है ना, इस तरह से उन्हें आप भर लीजिए बोतल के अंदर। और आप चाहें तो ना बड़े साइज की बोतल का भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर खूब सारी हमारी पॉलीथीन आ जाती हैं। ये देखिए, खूब सारी पॉलीथीन इसके अंदर इकट्ठा हो जाती हैं और ये देखने में भी अच्छा लगता है ऑर्गेनाइजर। अब इसे हम हैंग करेंगे किचन में और ये इसके निकालने वाला पार्ट हो गया। इस तरह से हैंग कर देंगे, जब भी हमें पॉलीथीन की जरूरत होगी तो नीचे वाली साइड से हम एक एक करके निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ऊपर वाली साइड से हम पॉलीथीन को रख भी सकते हैं। तो जब भी आप ग्रोसरी का सामान लेकर आए और आपके पास इतनी सारी पॉलीथीन इकट्ठा हो जाती है तो आप इस तरह से आप रखते रहिए और जब भी जरूरत पड़े नीचे वाली साइड से आप निकालते रहिए। तो है ना कितना यूजफुल ऑर्गेनाइजर। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।